आपका नाम बताइए और आज किस तरह के गाने की हुआ है रिकॉर्डिंग, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट बोल सकते हैं, ऑफकोर्स शुरुआत की है अभी। और ये जो आज का मेरा गाना है वो बहुत ही
काइंड ऑफ हैपनिंग सॉन्ग है और बहुत बारिश पे बेस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ही हैपनिंग, बहुत उसको मज़े लेकर गा सकते हैं, और उसके साथ साथ रोमांटिक भी है और बहुत सॉफ्ट है. तो आज के और उसके बीट्स इतने अच्छे हैं कि आज के जनरेशन के हिसाब से वी कैन गो विद द सॉन्ग. तो गाने की बात करें तो कब से आप गाना शुरू किया और कितनी उम्र है आपके अभी? मेरी उम्र तो 21 है, मैं दिखती नहीं हूँ पर मेरी उम्र 21 है. मैंने जब मुझे जितना याद है मैंने 7-8 ईयर्स की थी तब से मैं गा रही हूँ, बट मैं शोज़ कर रही हूँ. प्लेबैक तो मैंने जब मैं 11th 12th में थी तब से मैंने थोड़ा शुरुआत की है, और अभी कर रही हूँ पढ़ाई. तो जस्ट अभी खत्म. जैसे कि आपने कहा 12 साल से आप प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, तो कौन सा गाना आपने गाया है कुछ बताना चाहेंगे जो आपको नहीं जानते? साउथ के जो डबिंग है वो जो हिंदी डब होते हैं उसमें मैंने गाने गाए हैं काफ़ी, पर मेरा मेन फोकस स्टडी था, तो अब मैं थोड़ा स्टडी से उठकर थोड़ा म्यूजिक में स्ट्रगल करना चाहती हूँ, म्यूजिक में कुछ करना. किस तरह का गाने पसंद आते हैं आपको? आजकल देखा जाता है गाने बहुत वेस्टर्न तरह के, तो आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं गाने को? गाने तो गाने होते हैं, सब काइंड सब तरीके के गाने पसंद करना चाहिए, और अगर ये जनरेशन के हिसाब से चलना है तो आपको पहले के भी सारे जैसे आशा जी लता जी के गाने भी पसंद होने चाहिए और आजकल का EDM भी पसंद आना चाहिए. तो मेरा फेवरेट कोई एक नहीं है, मैं सारे जॉनर्स के और सारे टाइप्स के गाने सुनती हूँ और इंजॉय करती हूँ. आप खुद को स्ट्रगल है आर्टिस्ट क्यों मानती हैं? क्योंकि अभी फिलहाल मैंने शुरुआत की है, तो अभी तो बहुत आशा है, होप्स है, और मैं ऑफकोर्स प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, तो अभी तक हुई नहीं हूँ इसलिए कह रही हूँ. कौन से सिंगर अभी के जो है तो कौन पसंद है आपको? कोई मुझे तो मेरा ही फेवरेट तो अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत इज माय एंड फीमेल. तो मैं 10 साल से जब 10 साल की थी तब से श्रेया घोषाल को बहुत फॉलो करती हूँ और आज तक वही फेवरेट है, और कोई फीमेल सिंगर मेरी पर्सनल फेवरेट इतनी नहीं, बट श्रेया घोषाल, श्रेया मैम इज माय फेवरेट एंड अरिजीत सिंह इन मे. इसके अलावा आपने कहा कि श्रेया मैम आपकी फेवरेट है, तो श्रेया मैम के दो गाने हो जाए. श्रेया मैम के तो दो क्या, बहुत सारे गाने हैं श्रेया मैम के. अच्छा तो मैं भी फिलहाल श्रेया मैम के हंसी बन गई, मुझे मेरा बहुत फेवरेट है. तो मैं जाने ये मार दूँ हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जान ये वार दूं हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देख कर तुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान मेरी जमीन बन गए. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके मेन फेवरेट कौन से गाने हैं? श्रेया मैम के तो आपने गा दी, तो नेक्स्ट श्रेया घोषाल आप ही बन जाने. नहीं, नेक्स्ट मुझे पापा ने कहा है कि नेक्स्ट श्रेया घोषाल मत बनो, नेक्स्ट सुष्मिता बनो. तो मैं पहले बहुत फॉलो करती थी और बहुत इमिटेट करती थी उनकी आवाज़ को, तो ये मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि किसी की भी आवाज़ को कॉपी नहीं करना है, उसके टैलेंट को कॉपी, ठीक है हरकतें हैं या जो भी वेरिएशंस हैं उसको कॉपी करो, सीखो उनसे, इंस्पायर हो, लेकिन एकदम उनकी तरह आवाज़ खुद की आवाज़ में नहीं. इच्छा है, विश है मिलने की. और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी के कितना प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम ले रखते हैं आप, रियाज कितना समय देते हैं और खाने में कितना आप परहेज करते हैं? रियाज तो हर दिन करना पड़ता है, चाहे वो आप एक ही घंटा क्यों ना करो पर वो कंसिस्टेंटली हर दिन करोगे तो ही कुछ फर्क पड़ने वाला है. और खाना पीना तो कुछ नहीं, जब कुछ भी खाओ पर अगर आपका रियाज मजबूत है तो कोई असर नहीं होने वाला. तो ऐसा कुछ आप आइसक्रीम नहीं? नहीं, मैं तो सब खाती हूँ, बस शो से पहले मत खाओ या कुछ गाना है तो उससे पहले मत खाओ बस, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है कि मैंने ये खाना बंद कर दिया या मैं ठंडा नहीं पीती, ऐसा कुछ नहीं है. सब करो पर रियाज इतना स्ट्रांग रखो कि आपकी आवाज़ पे असर ना हो. तो अभी
आप ये सबसे बड़ा ब्रेक लग रहा है आपको अभी आपके जो करियर का है, ये सबसे बड़ा ब्रेक आपको लग रहा है ये जो आज रिकॉर्डिंग हुआ है, आपको कितना फायदा हो सकता है इसमें इस सॉन्ग से? मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि कुछ फ़ायदा या नुकसान. मैं मेरा मन है तो मैं गा रही हूँ. और जब आप किसी चीज़ में पूरा मन डाल के गाते हो या पूरे मन से वो काम करना चाहते हो तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो हर चीज़ आपके लिए अच्छी ही रहेगी. तो दो लाइन गा दे जो आज आपने आज जो रिकॉर्ड किया है. ओके. ख्वाबों के दरिया में, ख्वाबों के दरिया में, ख्वाबों के दरिया में डूबी रहूं मैं. जब ही मिली फुर्सतें इस फ्रीडम टाइम, जब ही मिली फुर्सतें इस फ्रीडम टाइम, रिम झिम बारिशों में भीगी रहूं मैं. जब ही मिली फुर्सतें इस फ्रीडम टाइम, जब ही मिली फुर्सतें इस फ्रीडम टाइम. थैंक यू.